ژې موبایل ته نو څه پکته وکړ پانت مچا موبایل موجوب به ون پټ پټ जैसे कि आप जानते हैं काफी कुछ डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों से यहाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से लगता है कि कोई बहुत ही खतरनाक कोई बहुत ही जो है दहशत वाली एक माहौल बना हुआ है और लोग खौफजदा हैं। जैसे आपने आज देखा भी होगा कि बाहर से भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बाहर हैं वो भी घबराए हुए हैं और यहाँ भी हालात कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं। जबकि यहाँ सरकार गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, मगर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है जिस तरह से, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, तो दूसरी तरफ से डिप्लॉयमेंट क्यों? और आज जो एडवाइजरी जारी की गई होम सेक्रेटरी के यहाँ से कि जिसमें टूरिस्ट और यात्रियों को यहाँ से जो है वापस जाने के लिए कहा गया कि यहाँ सिचुएशन ख़राब होने वाली है, तो उससे और भी जो है लोग खौफजदा हो गए हैं। आपने खुद भी देखा होगा बहुत क्योस है, कंफ्यूजन है, बहुत हालात ख़राब हैं, लोग बड़े घबराए हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में इतना पैनिक कभी नहीं देखा है और मुझे लगता है पिछले 70 साल में इस किस्म का जो खौफ एक साइकोलॉजिकल जो जंग चल रही है मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमने कोई जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी सुने कि दे आर गोइंग टू टिंकर विद 35A या जो हमारी स्पेशल पोजीशन है। इसलिए मैं हालांकि इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह माना जाता है, मगर उसके बावजूद मैं अपने मुल्क के लोगों के सामने हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ, अपना जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी उनको भी ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत बड़ा 1 अरब 20 करोड़ जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने बहुत मुश्किल हालात में टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया इन वादों के ऊपर जो उस वक्त की लीडरशिप ने किए कि जो हमारी खुसूसी जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है शिनाख्त है उसको बरकरार रखा जाएगा और उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली है। आज ऐसा लगता है कि उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं। तो मेरा ये कहना है अपने मुल्क के लोगों से, अपने जो हमारे वजीर आजम हैं उनसे, कि आप बार बार जम्मू कश्मीर के हवाले से इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करते हैं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल जीतने की बात करते हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो फिर ये इस किस्म का की हवा क्यों चल रही है? आपने तो यात्रियों को यहाँ से निकाल दिया, टूरिस्ट को आप इस वक्त यहाँ से निकाल रहे हैं, गाड़ियों में निकाल रहे हैं, SRTC बसेस में निकाल रहे हैं, पर आप ये सोच नहीं रहे कश्मीरी कहाँ जाएगा, जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे, लद्दाख के लोग कहाँ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोगों को जम्मू कश्मीर की जमीन नहीं चाहिए बल्कि उनके लोग चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग चाहिए। मगर जो वातावरण जो सिचुएशन बन रही है इसमें ऐसा लगता है कि शायद आप जम्मू कश्मीर को एक टेरिटरी का मसला समझते हैं। टेरिटरी तो सारी आपके पास है, फौजें यहाँ पर हैं लाखों की तादाद में, तो अगर आप जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जिन्होंने इसकी गारंटी दी है, अगर आप उसको भी ख़त्म करेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी पिछले 30 साल से, हमारा कोई गाँव नहीं है जहाँ हमारे मज़ार नहीं है, जहाँ हमारे जवानों ने अपनी शहादत नहीं दी है, चाहे वो किस गोली से भी मारा गया, चाहे वो मिलिटेंट की गोली से मारा गया, फोर्सेस की गोली से मारा गया, पुलिस की गोली से मारा गया या क्रॉस फायर में मारा गया। हमारे यहाँ यतीमों की टोलियाँ हैं, हमारे यहाँ बेवाओं की टोलियाँ हैं हजारों की तादाद में, इतनी कुर्बानियाँ दी यहाँ के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने तशख्स को बचाने के लिए, आज अगर आप उसी पर वार करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादती होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। हम नहीं, मैं बार बार मैं कोई धमकी नहीं देना चाहती हूँ, मगर हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त हम एक चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हो मरहूम या मुफ्ती साहब हो, उन्होंने एक जमहूरी हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 में शेख साहब ने पाकिस्तान को दरकिनार करके हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, मगर इन कंडीशंस पे कि हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखा जाएगा,
मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि हमें जो भी कुछ मिलना है इसी मुल्क से मिलना है, और उन्होंने, मैं मोदी जी से भी कहना चाहती हूँ कि तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने आपसे हाथ मिलाया ये सोच के कि आप जम्मू कश्मीर की न सिर्फ खुसूसी पोजीशन की हिफाजत करने में हमारी मदद करेंगे बल्कि उससे भी दो कदम आगे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकालेंगे, जैसे आप बार बार कहते थे कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदम पे चलूंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुद्दमाना गुजारिश है जितने भी हमारे मुल्क के लोग हैं और जम्मू के लोगों से, लद्दाख के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, हमारी कोई रीजनल लड़ाई नहीं है इस वक्त, हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है इस वक्त, हमारे आइडेंटिटी की लड़ाई है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त ना आए कि हम सोचें, हम पता करें कि वो कश्मीरी कहाँ रहता है, कौन है वो कश्मीरी, कौन है लद्दाखी, कौन है डोगरा। इस किस्म से हमारी जो है आइडेंटिटी खत्म ना हो। और इसलिए मैंने आपको यह मालूम होगा कि मैंने फारूक साहब को भी गुजारिश की कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और हम सब पार्टीज मिल बैठ के बात करें, और यहाँ से मैं जाके फारूक साहब के यहाँ भी जाना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा ये है कि मैं जो सजाद लोन साहब हैं, इमरान अंसारी साहब हैं, ये फैसल साहब हैं, इंजीनियर रशीद साहब हैं, उन सब को लेके हम कहीं आपस में मशवरा करके उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करना चाहते हैं। तो अभी मैं फारूक साहब को देखने भी जाना चाहती हूँ।